राज्य सरकार की ओर से राजस्व प्राप्ति के लिए शराब की दुकान खोलना कहीं परेशानी का सबब नहीं बन जाए। जोधपुर में जैसे ही शराब की दुकानें खुली, खुलने के साथ ही वहां पर लोगों की धीरे धीरे भीड़ जमा होना शुरू हो गई। पहले तो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए बनाए गए गोलों में ही खड़े रहकर खरीदारी करना उचित समझा, लेकिन बाद में इसके बाद जैसे ही वहां पर शराब बिक चुकी और स्टॉक खत्म हुआ, उसके बाद से वहां भीड़ बढ़ना शुरू हो गई। कई दुकानों पे तो हालात ये था कि सुबह से ही भीड़ लग गई और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। लेकिन सबसे खास बात ये कि जब पुलिस को ये पता लगा कि यहाँ पर शराब की दुकानों पर भीड़ बढ़ रही है, तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो चौंकाने वाला था। लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर बदहवास सड़कों पर दौड़ने लगे और हालात ये हो गए कि सोशल डिस्टेंसिंग और अब तक लॉकडाउन के दौरान बरती गई सारी सावधानियां उनके साथ दूर होती नजर आई और सिर्फ लोग भागते रहे एक साथ भीड़ की तरह से। इसके बाद सरकार की ओर से अलग अलग तरह के बातें सामने आई। कहा गया कि अब शराब की दुकानों के ऊपर रोक लगा दी गई है अगले आदेश तक, लेकिन वहीं हमारे संवाददाता ने मालूम किया तो आबकारी आयुक्त विष्णु चरण मलिक ने बताया कि फिलहाल अभी ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि सनसनी पैदा करने के लिए इस तरह की अफवाहें उड़ा दी गई हो। जब भी इस तरह का आदेश प्राप्त होगा तुरंत उसकी अनुपालना की जाएगी।